घर की बरकत बढ़ाने के वास्तु टिप्स। घर के प्रवेश द्वार पर कोई भी मांगलिक चिन्ह जैसे कि स्वास्तिक या ओम को सिंदूर से बनाएं। घर में किसी भी कोने में बंद पड़ी हुई घड़ी न लगाएं। टूटे हुए कांच की चीजों को भी घर से बाहर रख दें। पढ़ाई में कम रुचि रखने वाले बच्चों को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके अध्ययन करवाएं। इससे उन्हें लाभ मिलेगा। किचन में जाकर कभी भी रोना नहीं चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पूजा घर का द्वार हमेशा दो पल्ले वाला ही बनवाना चाहिए। घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता लाता है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर मेन दरवाजे पर टांग दें, परंतु यह किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। इससे घर में कभी भी नज़र नहीं लगेगी। घर में कभी भी कोई भी नल को टपकता हुआ न छोड़ें, इसे तुरंत ठीक करवाएं। घर की स्त्री द्वारा प्रातः रोज उठकर मुख्य द्वार पर जल डलवाना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। रसोई घर और प्रवेश द्वार एकदम सीध में नहीं होने चाहिए। ऐसा करना संभव ना हो तो आप रसोई घर के द्वार पर पर्दा लगवा दें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। घर में सुबह या शाम भजन लगाने से देवताओं का वास बना रहता है। इससे बुरी शक्तियां घर के बाहर निकल जाती है। उत्तर पश्चिम दिशा में लगे हुए पर्दे का ग्रे कलर हो तो यह सबसे शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा की ओर धातु से बना हुआ कछुआ रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के बुजुर्गों की कोई भी तस्वीर कभी भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। उनकी तस्वीरें आप दक्षिण दिशा में लगाएं। घर का मुख्य द्वार कभी भी घर के ठीक बीचों बीच नहीं बनवाना चाहिए। घर में पेंट करवाते समय यह ध्यान रखें कि घर की खिड़कियों और दरवाजों को काला रंग न दिया जाए। रसोई में खाना बनाते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुख पूर्व दिशा में रहे। घर में रखी हुई विवाह के निमंत्रण पत्रों को कभी भी फाड़ कर नष्ट न करें। इससे गुरु और मंगल दोष हो जाता है। तरक्की और सफलता पाने के लिए गंगा जल को पूजा घर में जरूर रखें। घर में कभी भी जूते चप्पल इधर उधर ना फेंकें। ऐसा करने से गृह कलेश बढ़ता है और धन की बर्बादी होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने से बुरी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। खाना कभी भी चप्पल या जूते पहनकर नहीं पकाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कभी भी पुराना सामान रखने के लिए स्टोर रूम ना बनवाएं। घर के किसी भी कोने में दीवार, छत या कोई भी कोना क्षतिग्रस्त ना हुआ हो। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और आगे भी ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।